एवरीवन, ये साइंस टेस्ट सीरीज का 33वां पार्ट है, 33rd पार्ट है। और सर्वप्रथम हम लोग 32वें पार्ट का उत्तर करेंगे और फिर क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए 32वें पार्ट का उत्तर करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है यूरिया, और यूरिया का केमिकल नेम है NH2CONH2। ध्यान रहे तो यूरिया है, अपशिष्ट पदार्थ है मानव का। और दूसरा प्रश्न है पीयूष ग्रंथि, उसी को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि है यह शरीर का। तीसरा प्रश्न का उत्तर है पिट्यूटरी ग्लैंड, यह भी सबसे छोटी ग्रंथि है, ग्लैंड है शरीर की। और चौथे प्रश्न का उत्तर है मस्तिष्क, पिनियल ग्लैंड मस्तिष्क में होती है। पांचवें प्रश्न का उत्तर है प्रावटु, प्रावटु ग्रंथि जो इंडो सबसे बड़ी इंडोक्राइनल ग्लैंड है, पीछे भी आ चुका है एक प्रश्न। छठे प्रश्न का उत्तर है TSH, वृद्धि हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन है। सातवें प्रश्न का उत्तर है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए दिया जाता है। नौवें प्रश्न का उत्तर है पिट्यूटरी ग्लैंड, शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। और दसवें प्रश्न का उत्तर लैक्रिमल, लैक्रिमल के कारण टीयर आंसू, ये टीयर ग्लैंड कहलाता है, आंसू आता है, ठीक है, अश्रु। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दूसरा प्रश्न, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तीसरा प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है। चौथा प्रश्न, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। पांचवा प्रश्न, मानव शरीर के किन अंगों में कॉर्निया पाया जाता है, किस अंग में कॉर्निया पाया जाता है। छठा प्रश्न, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है। सातवां प्रश्न, इंसुलिन उत्पादित कहाँ होता है, काफी महत्वपूर्ण है, इंसुलिन के कमी की वजह से डायबिटीज हो जाता है, जो कि कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट को यानी ग्लूकोज के स्तर को। आठवां प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की। नौवां प्रश्न, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं। और दसवां और अंतिम प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो ये रहा बहुत बेहतरीन 10 प्रश्नों का, और सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और अति महत्वपूर्ण है, सिस्टमेटिक है, आप सबको प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यूटी के आधार पे, और सिस्टमेटिकली आप प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एक से लेकर के कंटिन्यू आप करें और देखें, आपके अंदर देखिए प्रोग्रेस होना चाहिए, आप इवेल्युएटिव बनिए, यूं ही कोई वीडियो उठाया और मत सुनिए, बल्कि आप सिस्टमेटिक प्लान लेकर के तैयारी कीजिए जो आपको आगे फायदा देने वाला है। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एवरीवन, ये साइंस टेस्ट सीरीज का